अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट के साथ मौजूद हूँ, और अगर उन्हें अजीम आर्टिस्ट कहें तो भी गलत ना होगा, क्योंकि वो काम ही ऐसा कर रहे हैं, कैलीग्राफी जो कि सबके बस की बात नहीं होती। पीछे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि कितने खूबसूरती से अल्लाह ताला के नाम और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम कितनी खूबसूरती से जो है वो लिखे गए हैं। ये कोई बनी बनाई पेंटिंग्स नहीं है, बल्कि ये क्रिएट की गई हैं। कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि ये सारा काम वो कैसे कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो अपना तारुफ़ कराइएगा जी। वासिफ शाहिद मेरा नाम है, खताती मेरा प्रोफेशन है और मेरा इश्क भी, पैशन भी है और मेरी ज़िंदगी भी यही है। और पिछले कोई 15 साल से बाकायदा खताती कर रहा हूँ, जिसमें मुख्तलिफ नुमाइशें भी शामिल हैं, कौमी सतह, बैन अवी सतह के कुछ एजाज़ भी हैं, अल्लाह का शुक्र मिला। और यहाँ पर ये सभी अगे हैं वाले के नुमान से 4 मई इंफरादी नुमाइश है जो इस मॉल में हो रही है, जो कि इतवार के दिन तक जारी होगी, 9 अक्टूबर 12 बजे। अच्छा वासिल, ये भी बताएं कि ये कैसे आप कर लेते हैं, क्या किसी से सीखा आपने या ख़ुद ही आपको ये काम आ गया? नहीं, ऐसा नहीं होता कि खुद ही काम आए। अगर कहीं किसी ज़मीन पर अच्छे बीज भी पड़े हो ना, तो उनको परवान चढ़ाने के लिए पानी देना पड़ता, आबियाई करनी पड़ती थी, मौसमों से बचाना पड़ता, फिर जाके वो फल फूल देना शुरू करता है। बस होते देखा तो वो नहीं कोई भी टैलेंट परवान चढ़ता। शौक़ मुझे बचपन से था और हकीकत में काम करता रहा, हमेशा कोशिश करते रही कि काम करता हूँ। लेकिन मोहम्मद रज़ा साहब लाहौर से, जिनसे मैंने बाकायदा तरबियत भी तो काम शुरू किया, और उनसे मुझे बहुत रहनमाई मिली क्लासिकल काम करने की। अब मैंने इस दफ़ा मीडियम जो मॉडर्न कर लिया है अपना कैनवस के ऊपर, और सोने के वर्क के साथ क्लासिकल काम किया है आपके सामने जो मॉडर्न। अच्छा वासिल, लोगों से बड़ी पसीराई मिल रही होगी आपको, लोग क्या कहते हैं जब आपका काम देखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी कि अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा फीडबैक हुआ। जैसा आज नुमाइश का अफ्ताह हुआ कि मुजमा काया साहब तशरीफ़ लाए थे, और लोगों के आने से ठीक है, अच्छी बात है कि इंसान को मकबूलियत मिलती, इंसान खुश, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अल्लाह के यहाँ भी ये काम कबूल होना चाहिए। अल्लाह ने कबूलियत अता फरमा दी तो मकबूलियत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। और यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस काम को कबूल फरमाए, और इल्तिजा करता हूँ सबसे कि काम देखकर अगर आप खुश होते हैं तो मेरी दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे मज़ीद काम करने की हमको तौफीक भी अता फरमाए और आगे बढ़ने की कोशिश भी करें और अल्लाह इस काम को कबूल भी करें। थैंक यू सो मच जी। वासिफ शाहिद जैसे आर्टिस्ट हैं जो कि इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा इनका काम दिखाना भी चाहूँगी। ये मेरे बैक साइड पे इनका कुछ काम है जो कि इन्होंने खुद ही ये बड़ी महारत से इन्होंने किस तरीके से लिखा है, ये आप ख़ुद भी देख रहे होंगे। और हर साल यहाँ पर ये एग्ज़िबिशन जो है वो लगाते हैं, लोग आते हैं और इनको बड़ा पसंद भी करते हैं। और वासिल शाही से जब मेरी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि ये काम जो है वो उनको इतना शौक़ था और अब उन्होंने बाकायदा तौर पर इसको लिखना शुरू किया है। तो वासिल शाही जैसे आर्टिस्ट ही होते हैं जो कि जिनको बड़ी पसीराई भी मिलती भी है और उनको सराहना भी चाहिए, और ऐसे बहुत से आर्टिस्ट हमें मिलते हैं। वैसे तो हम ये बात करते हैं, आर्टिस्ट तो कई किस्म के होते हैं, कई किस्म की पेंटिंग्स बनाते हैं, लेकिन ये वाला जो काम है इसको अगर हम ना सराहें तो ये आर्टिस्ट के साथ भी ज़्यादती होगी। मेरे सामने कुछ और कलमात भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जैसे कि ये है। और ये वासिल शाहिद जो तकरीबन फ्री टाइम में या रात के टाइम में ये कलमात लिखते हैं, अल्लाह पाक के खूबसूरत नामों को जो है वो दर्ज करते हैं। और वासिल शाहिद का ये भी कहना है कि अगर लोग उनको सराहते हैं, पसंद करते हैं, तो यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। इसी के साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।